स्वच्छ भारत मिशन स्वच्छता के तहत आज तरकुलहा माता मंदिर परिसर में सफाई अभियान चलाया गया। बताते चले कि तरकुलहा मंदिर परिसर में गंदगी की जानकारी डीपीआरओ हिमांशु शेखर ठाकुर साहब को मिली, जिसके क्रम में आज विकास खंड सरदार नगर एवं ब्रह्मपुर ब्लॉक के लगभग 350 सफाई कर्मचारी मंदिर परिसर में गंदगी की साफ सफाई, पॉलीथीन, थर्माकोल, नारियल के छिलके एवं सभी कूड़ों को निस्तारित कराया गया। चूंकि तरकुलहा मेला परिसर बहुत बड़ा एरिया है, जिसके कारण 2-3 दिनों तक सफाई अभियान चलाया जाएगा। इस सफाई अभियान में मौजूद जिला कंसल्टेंट बच्चा सिंह, नोडल अधिकारी दीनानाथ गुप्ता, दोनों विकास खंड के एडियो परमात्मा पांडे और रमेश स्वच्छाग्रही, गोमती यादव, चेतई प्रसाद पटवा एवं टीम लीडर भुल्लन पासवान एवं तमाम लोग मौजूद रहे। जो आज सफाई हो रही है, ये किस उद्देश्य से हो रही है? तरकुलहा देवी मंदिर में जैसे पता है कि काफ़ी हजारों हजार जो है श्रद्धालु आते हैं, पर यहाँ उसके चलते काफ़ी गंदगी हो जाती है। अगर आप देखेंगे तो काफ़ी पॉलीथीन, थर्मोकॉल ऐसे जमा हो जाता है, नारियल की जो ये देख रहे हैं तो जमा हो जाते हैं। उसको दूर करने के लिए इन सबों को सबको हम लोग साफ सफाई करा रहे हैं। काफ़ी गंदगी है, इसको ये करके हम लोग गड्ढा खुदवा करके आगे पूरा निस्तारित कर देंगे, सबको गड्ढे में दफना देंगे। ये साफ सफाई उसी के लिए कराई जा रही है। सर, ये प्रक्रिया आगे भी जारी रहेगा कि हर एक हफ्ता, समझे, हम लोग हर एक हफ्ता सरदार नगर और ब्रह्मपुर के सभी सफाई कर्मियों को रोस्टर में लगा करके उनके द्वारा साफ सफाई का कार्य कराया जाएगा, ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े।